ब्रजेश राजपूत का रुख करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये लंबी लिस्ट आई है ब्रजेश, पहली मर्तबा एक नजर में देखने पे क्या आपको लग रहा है कि सब कुछ संभावित था या कुछ चौंकाने वाले एलिमेंट हैं? हाँ जी, इसने लता मैंने ऐसा कुछ बहुत चौंकाने वाला सरप्राइजिंग इसमें ऐसा कुछ नहीं है। 144 नामों की सूची आई है, अधिकतर पुराने विधायकों को रिपीट किया गया है। जो एक बड़ा नाम हमको नहीं दिख रहा या जिसका नाम काट दिया गया है, वो मध्य प्रदेश विधानसभा के जो जब कांग्रेस की सरकार थी अध्यक्ष बने थे NP प्रजापति, नरेंद्र प्रजापति, उनका नाम कट गया है। उनकी सीट से किसी और को टिकट दे दी गई है। और भोपाल में हम जहाँ भोपाल में हैं तो भोपाल में दो नाम सामने आए हैं, वो आरिफ मसूद का भोपाल मध्य से और एक नाम और है। तो मगर कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं दिख रहा है। विश्वास सारंग के खिलाफ उन्होंने एक नए आदमी को उतारा है नरेला सीट से, वो है मनोज शुक्ला। तो यहाँ भी अच्छी फाइट होगी। और बुधनी सीट है जो शिवराज सिंह चौहान जहाँ से लड़ते हैं वहाँ से कांग्रेस ने एक नया प्रयोग किया है। जो सीरियल चलता है हनुमान, उसमें जो हनुमान का कैरेक्टर जिसने निभाया था विक्रम मस्ताल, उस विक्रम मस्ताल को शिवराज सिंह के खिलाफ उतार दिया है। और हमने ये भी देख रहे हैं कि जो पुराने बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेता थे जो बहुत नैरो मार्जिन से हारे थे, जैसे मुकेश नायक या फूल सिंह बरैया, उन सबको मैदान में फिर से टिकट दे दी है। तो करीब हम ये कहें कि पुराने नामों पे कांग्रेस ने एक बार फिर से भरोसा जताया है अपने पुराने नामों को, तो फिर रिपीट किया, चुनाव मैदान में उतारा है। तो कोई बहुत उलटफेर इस सूची में दिख नहीं रहा, मगर कुल मिला के बड़ी संतुलित सूची है। और एक बात जो दिग्विजय सिंह सब लोगों से कहते थे, जो जितने टिकट मांगने वाले लोग थे, कि कांग्रेस में सर्वे ही सर्वे सर्वा है। तो ऐसा लग रहा है कि सर्वे की चली है, जिन लोगों का नाम सर्वे में आया है उन्हीं लोगों को ऊपर टिकट दे के अनुग्रहित किया गया है। जी बिल्कुल ब्रजेश, यानी कोई चौंकाने वाला नाम नहीं है, सब कुछ सर्वे के अकॉर्डिंग चलता दिखाई दे रहा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया ग्राउंड से ये तमाम अपडेट्स के लिए, डिटेल्स के लिए। ABP News आपको रखे आगे।